आप यहां पर देख सकते हैं मेरा नाम आ चुका है, मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हिसाब से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था 28 अगस्त 2022 के डेट में 64,000 रुपीज़ मेरा अप्रूव हो चुका था। अब की डेट में जैसे कि अभी चल रहा है 2023, लगभग 8 महीने होने के बाद मेरे अकाउंट में यहाँ पर देख सकते हैं 90,000 रुपीज़ का लोन डिपॉजिट हो चुका है। और ये जो जनसमर्थ का मैंने ऑनलाइन किया था, 8 महीने लगा इसको करने में, यानी कि एग्जीक्यूट करने में बैंक को, और जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 89,000 मैंने निकाल लिया है। सो अगर आप भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्टडी लोन करना चाहते हैं, एजुकेशन लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, तो आप सारे लोन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मेरा एक लोन चल रहा है, फिर भी मैं यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू स्कीम पर क्लिक करके एक लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देख सकते हैं एजुकेशन लोन है, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस लोन है, लेवलीहुड लोन है। तो इनमें से जो भी लोन आप यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने बिजनेस लोन अप्लाई किया था, इसमें भी आपको काफ़ी और भी मिल जाता है, जिसे मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो ये लोन अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैंने कैसे अप्लाई किया और अप्रूव कैसे हुआ, तो जैसे कि आपको बताया था 22 अगस्त 2022 मैंने जैसे अप्लाई किया, कुछ ही दिन बाद मेरे को एक कॉल आता है बैंक की तरफ से। वो बोलते हैं कि आपका लोन अप्रूव होने वाला है, आप कुछ और डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो जैसे कि वो डॉक्यूमेंट में मांगे मेरे को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, आपका जो भी डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो मांगते हैं। इसके बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उद्यम सर्टिफिकेट आपको मांगते हैं। तो सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आपको वो लोन नहीं देंगे। तो उद्यम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर इस वेबसाइट में आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारा और ऑप्शन मिलता है, जैसे कि वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज MSME और दोज विद EM सेकेंड। तो आप यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक है फॉर न्यू वाला, इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी कोई भी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करके अपने डिटेल्स देंगे और फिल करेंगे तो आपको लास्ट में उद्यम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन आप पहले ही किए थे तो आप यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अपना डिटेल्स आप वेरीफाई करा सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले से आपने किया हुआ है, आपको भूल गए हैं, जो भी आप पासवर्ड रखे थे भूल गए हैं, तो यहाँ पर देखें प्रिंट वेरीफाई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट है, यहाँ पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को प्रिंट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल डिटेल्स आपको अपने ईमेल में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन में कैसे आईडी बनाते हैं, कैसे आप यहाँ पर प्रिंट आउट करेंगे अपने सर्टिफिकेट को, कैसे जनरेट करेंगे, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। एक बार आपका ये हो जाएगा तो आपको ये वाला भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे। इसके बाद बैंक का कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो उसके ऊपर वो देखेंगे, सिविल स्कोर देखेंगे, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, आप इससे पहले कोई लोन लिए हैं, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है उसमें आप कुछ पेंडिंग किए हैं बिल को, रेगुलरली तो पेमेंट कर रहे हैं, एक महीने का बिल पेमेंट बाकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पिछले महीने का और पिछले महीने का आपने डिफॉल्टर हो चुके हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे आपके सिविल स्कोर पर वो प्रेशर होता है। तो सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए तब जाके वो लोन देते हैं। इसके बाद आपको बैंक का चक्कर तो थोड़ा लगाना होगा, आपको पता ही है बैंक का चक्कर, मतलब आप 2-3 महीने तक आपको उनसे जाकर संपर्क करना है। जैसे आपके पास कॉल आएगा तो आप समझ जाना कि आपका 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो एग्री हो चुका है आपको लोन देने के लिए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जितना जल्दी आप दे सकते हैं, जितना जल्दी आप डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट जितना जल्दी उनको प्लस पॉइंट के हिसाब से वो पॉजिटिवली देखेंगे, तब जाके आपको लोन मिल सकता है। एक बार आपका वो सारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लेंगे, ओरिजिनल वगैरह सब कुछ, तो आपको आसानी के साथ वो लोन दे सकते हैं। और हाँ, जब भी आपको लोन मिलने वाला है तो आप किसी और जगह लोन लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप कोई और जगह लोन लेते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट में हो या फिर कम इंटरेस्ट में हो, आपके सिविल स्कोर के ऊपर वो प्रेशर होता है, और सिविल स्कोर प्रेशर होने का मतलब यही है कि आपका ये वाला लोन भी चला जाएगा हाथ से। इसीलिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एक ही जगह पहले अप्लाई कीजिए, वहाँ पर अगर आप बंद हो जाता है रास्ता, वो बोलते हैं कि आपको नहीं
मिलेगा तो दूसरा जगह ट्राई कीजिए, लेकिन दो तीन जगह ट्राई करेंगे तो आपके पास लोन जो लेने का रास्ता है, जो होप है, वो ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई एक जगह भी लोन नहीं मिलेगा। तो अब सबसे मेन बात है, आप जन समर्थ पोर्टल में कैसे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरी है। आप कौन सा कैटेगरी में आएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा, यहाँ पर कैसे अप्लाई किया जाता है। मैंने जैसे कि एक दिन में अप्लाई किया था और एक दिन में ही मेरा अप्रूव हो चुका है, मतलब कि एक दिन में कंप्लीट हो गया और कुछ दिन बाद मेरे को कॉल आता है। तो जन समर्थ पोर्टल में भी मैंने ऑलरेडी ही लास्ट ईयर जो कि आपको बताया था 22 अगस्त में अप्लाई करने का एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक जो मैंने खुद अप्लाई किया था 64,000 रुपीज़ के लिए, लेकिन वो बढ़ाकर मेरे को 90,000 रुपीज़ इसलिए दिए क्योंकि मेरा सिविल स्कोर अच्छा था। तो अगर आपको भी जन समर्थ पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसका प्रोसेस कम्प्लीटली आपको जानना है तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक दे दिया हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और कम्प्लीट जान सकते हैं कि जन समर्थ पोर्टल में आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई लोन के लिए कर सकते हैं। इस बीच अगर आपको कोई भी दिक्कत और आती है तो आप इस वीडियो के नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं।